बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओवरसीज़ ब्लॉक के जितने सार्फीन हैं जिन्होंने प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी हुई हैं, काफ़ी नाराज़ गुस्से में नज़र आए और उसका बहुत सारे कमेंट्स भी इस तरह आप प्लेटफॉर्म्स पे कर रहे होते हैं, तो आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बड़ा कीमती होता है। वो टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब, फेसबुक के ऊपर, जहाँ जहाँ हमें कमेंट्स मौसूल हुए कि जी ओवरसीज़ ब्लॉक की हमें डेवलपमेंट नहीं आ रही, हमें तश्वीश है। तो लास्ट चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद अजीज़ साहब के साथ जब हमारी मीटिंग हुई तो उसमें भी हमने उनको ये कहा कि बहुत सारे लोग जो है ना वो चाहते हैं कि उनको ओवरसीज़ ब्लॉक की डेवलपमेंट दिखाई जाए। तो उस हवाले से एक पैगाम ब्लू वर्ल्ड सिटी ने जारी की है, वो आपको सुनवाता हूँ, लेकिन उसमें दो तीन पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली ब्लू वर्ल्ड सिटी डेवलपमेंट चूँकि ओवरसीज़ वालों को इसलिए ओवरसीज़ ब्लॉक की इसलिए कम नज़र आ रही थी क्योंकि काम स्पोर्ट्स वाली ब्लॉक पे थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा था, और तो इसलिए आपको ओवरसीज़ ब्लॉक के ऊपर थोड़ा कम नज़र आता था। अदरवाइज़ अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर जो फोटेज चल रही है, ये ब्लू वर्ल्ड सिटी ओवरसीज़ ब्लॉक है और ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर एक बेहतरीन काम अल्लाह के फजल करम से हो रहा है, लेकिन चूँकि आपका स्पोर्ट्स वैली के ऊपर ज़्यादा काम हो रहा था जिसकी वजह से आपको ये हमारा जो ओवरसीज़ ब्लॉक का काम है ये आपको कम लग रहा था। तो अब इन्होंने बेसिकली फिर कुछ पॉकेट्स के ऊपर काम इसलिए रुका हुआ था कि पॉकेट्स यानी कि ज़मीनें खरीदी जा रही थी ब्लू वर्ल्ड सिटी की जानिब से, उस ज़मीनों को यानी कि अगर फॉर एग्जांपल ये 25,000 कनाल का एक पैच है उसमें 100 कनाल नहीं है तो फिर क्या, वो डेवलपमेंट मुतासर होती है। सो ये सारी वो पैच क्लियर कर रहे थे जिसकी वजह से अब सारी परचेजिंग ओवरसीज़ ब्लॉक की मुकम्मल है, अब इसके ऊपर कम्प्लीटली खोल दिया गया और फुल डेवलपमेंट फुल थ्रॉटल में शुरू हो गया है। सो उसके अंदर चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नज़ीर साहब ने क्या कहा और नईम इजाज़ साहब ने अभी साइट पर विज़िट किया, आवाम की पुरज़ोर जनाब रिक्वेस्ट के ऊपर, हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर कि सर आप जाएँ और हमारी जो ऑडियंस हैं उनको कॉन्फिडेंस मिले, तो ये पैगाम सुने। यूनिवर्सिटी के तमाम चाहने वालों को यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट की तरफ से सलाम। आज जोरी नहीं में जा सब स्पेशली साइट पे आए हैं और आप डीलर ब्रादरान की बहुत सारी रिक्वेस्टें ओवरसीज़ ब्लॉक के हवाले से थी कि वहाँ काम हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, बहुत सारी वीडियोस हमने देखी लोगों की, तो आपकी पॉजिटिव क्रिटिसिज्म को हम हमेशा से सराहते आए हैं। आज नईम भाई को उनकी मसरूफियात से स्पेशली निकाल के ये एजेंडा आपको क्लियर करने के लिए आए हैं। किसी मसलहत के तहत यहाँ पे अभी हम काम नहीं कर रहे थे और हमारा फोकस जो है ओवरसीज़ की दूसरी तरफ स्पोर्ट्स वैली और शोएब अख्तर एनक्लेव की तरफ था। आज नईम साहब यहाँ खड़े हैं, इंशाल्लाह आपके साथ ये इस सिचुएशन को क्लियर करेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में जो ओवरसीज़ ब्लॉक के हवाले से आपके गुजारशात हैं वो इन्होंने सुन ली हैं और इंशाल्लाह वहाँ रकबा बड़े अरसे से हमारा परचेज था, कुछ छोटी मोटी पॉकेट्स क्लियर होने वाली रहती थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने क्लियर कर ली हैं, तो आने वाले दिनों में आप इनकी प्रोग्रेस देखेंगे, बाकी नईम साहब को बताएंगे। जी उस जी अल्हम्दुलिल्लाह जी साथ भाई को मैंने अभी आज दिखाया, सारा विजिट करा दिया है और ये जो आपको जितना एरिया नज़र आ रहा है, जो लोगों की छोटी मोटी कंप्लेंट्स आ रही थी कि ओवरसीज़ को क्यों नहीं बढ़ा रहे, क्योंकि बीच में कोई छोटी मोटी पॉकेट थी जो क्लियर होने वाली थी, अल्लाह के शुक्र से वो सारी क्लियर हो चुकी है और इंशाल्लाह अगले 10-15 दिन में आपको पूरा ओवरसीज़ क्लियर नज़र आएगा कि किस स्पीड से काम चल रहा है और किस स्पॉट वैली और दूसरों से भी ज़्यादा स्पीड अब ये ओपन भी होगा और आपको पूरा क्लियर होगा। जहाँ जहाँ आप तो कह रहे हैं ना, जहाँ तक डोजिंग हुई आगे नहीं हुई, आगे हमारी प्रोक्योरमेंट है, हम 70% 80% पहले करके बैठे थे, सर रोका इस वजह से थे 10-20% जो छोटे मोटे बीच में थे, हम चाहते थे कि वो सारे क्लियर करें, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अल्लाह पाक ने हमारी वो मदद की है, वो भी सारे क्लियर हो चुके हैं और इंशाल्लाह अगले 10-15 दिन में आपको खुद नजर आ जाएगा कि ओवरसीज किस तरह ओपन होता है और जाता किस तरह, आपकी जरूरत से ज्यादा इंशाल्लाह। रियल्टर्स का बहुत शौक था ना ओवरसीज ब्लॉक में डेवलपमेंट नहीं हो रही, अब डेवलपमेंट शुरू होने लगी, इंशाल्लाह डेवलपमेंट चार्जेस की भी तैयारी करें, हाँ वो लाजमी करें क्योंकि हमने तो अपने इंशाल्लाह वादे टाइम पे पूरे करेंगे, आप भी अपने पूरे करें इंशाल्लाह। जैसा कि आपने चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी जनाब साद नज़ीर साहब और ब्लू वर्ल्ड सिटी वाइस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब नईम इजाज़ साहब का आपने मैसेज सुना, एक कंप्लीट उन्होंने आप सबको कॉन्फिडेंस दिया, इस कॉन्फिडेंस में आपने देखा कि उन्होंने कंप्लीट ओवरसीज़ ब्लॉक की ज़मीन के ऊपर खड़े होकर ये जो वादा है कि इसको वक्त से मुकम्मल करेंगे और फुल थ्रॉटल पे डेवलपमेंट होगी, ये भी एक अल्फाज अदा किए गए जब मैं भी सुन रहा था आपके साथ साथ कि ओवरसीज़ ब्लॉक के ऊपर इंशाल्लाह स्पोर्ट्स वाली से ज़्यादा मशीनरी लगेगी, तो ये कम्प्लीट अब आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आएंगी, इसलिए आप फुल फ्लैच अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे फोकस करें और तमाम जिनको प्लाट नंबर लगे उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, नक्शा ओवरसीज़ का आ गया है, प्लाट नंबर लगे, अब सिर्फ पोजेशन की बारी है, वो सोसाइटी का काम है और आपको मिलता जाएगा। इसके अलावा वाटरफ्रंट ब्लॉक स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक के ऊपर इंस्टॉलमेंट पर डिस्काउंट चल रहा है, वो आप हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जनरल ब्लॉक जो फेज़ टू आया है, जस्ट 1.5 लाख रुपये से 5 वाला प्लॉट की बुकिंग है, 15,000 रुपये महीने की किस्त है, उसमें आप हमसे प्रॉपर्टीज़ खरीद सकते हैं और स्पोर्ट्स वैली और वाटर फ्रंट के ऊपर भी आप हमसे इंस्टॉलमेंट के ऊपर डिस्काउंट रेट के ऊपर प्रॉपर्टीज़ खरीद सकते हैं। सो ये था आज का वो, मज़ीद भी आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई कंसर्न हो, आप हमारे फेसबुक के ऊपर मुझे देखें, यूट्यूब पर देखें, और अगर आपके पास टाइम कम है तो टिकटॉक के ऊपर इस्माइल नामियन मेरा इंस्टाम, मिलियंस में मुझे लोग देखते हैं, आप मुझे वहाँ देखेंगे, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा और आपके जो भी कंसर्न होते हैं, कंसर्न होते हैं, वो आ रहे होते हैं, वो
हम आगे अपने जो लीडर्स हैं और ब्लू वाटर टेकर मलकान हैं उन तक इंशाल्लाह एक एक चीज़ भेजते जाते हैं ताकि आपका कंसर्न क्लियर किया जाए। बहुत शुक्रिया। और मैं यहाँ पर चेयरमैन साद नज़ीर साहब, नईम इजाज़ साहब, नदीम इजाज़ साहब और इनकी पूरी डेवलपमेंट टीम का भी शुक्रगुजार हूँ और इस पूरी कायदीन का शुक्रगुजार हूँ, ब्लू वाटर टेकर की कायदीन का, कि उन्होंने देखें कि हमारी कैसे हमें कॉन्फिडेंस मिली और साइट पर आए और हमें कॉन्फिडेंस दिया और आपको कॉन्फिडेंस दिया, उसके ऊपर मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड। फॉलो करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और टिकटॉक पर भी लाइक करना न भूलिएगा।